मेरा नाम चंदन शर्मा है। मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एक्चुअली मेरे बालों को लेकर बहुत परेशानी रह रही थी। सब समस्या थी मेरे हेयर फॉल को लेकर के, पिछले 5-7 सालों से ज़्यादा हो गया। अच्छे खासे घने बाल थे, चले गए सारे के सारे, और कई प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला, और उल्टा उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन भी मिला। एलोपैथिक भी यूज़ किया बट कोई वर्थ नहीं निकला। तो YouTube पे भी कई तरह के प्रोग्राम्स देखे जिसमें टाइटेनियम नीडल वाले रोलर और पता नहीं क्या क्या, वो भी ट्राई किया। सिर छिल जाता था लेकिन काम कुछ नहीं आता था। इसी दौरान एक वीडियो मेरी नज़र में आई, मैं वो वीडियो गो थ्रू किया, मैंने देखा उस वीडियो को, उसमें लीच थेरेपी के बारे में कुछ बताया गया। वो वीडियो पूरी देखी, कुछ उत्सुकता भी हुई, कुछ इंटरेस्ट आया उसमें। मैंने उस वहाँ पे एक नंबर भी दिया था, उस नंबर में कॉल किया तो वहाँ पे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि हाँ ऐसी थेरेपी होती है, हम करते हैं, और उनका क्लिनिक का नाम है डॉक्टर मोंगा क्लिनिक, डॉक्टर मोंगा आयुर्वेदिक मेडिक क्लिनिक। तो वहाँ उन्होंने बुलाया मेरे को, मैं गया डॉक्टर से मिला। डॉक्टर साहब से जो बातें, उन्होंने काफ़ी कुछ गाइड किया मुझे इसके बारे में कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्यों होता है ये, हेरिडिटी की वजह से भी होता है, पेट की प्रॉब्लम की वजह से भी होता है, पानी की प्रॉब्लम की होता है, और भी कई चीज़ें थी। मेरे को डैंड्रफ भी बहुत रहता था, और जितना भी वॉश कर लो और नहाने के बाद भी अगर मैं यहाँ से ऐसे खरोचता हूँ तो नाखूनों के अंदर में तो मैल आती थी। अभी भी शायद डैंड्रफ हल्का फुल्का होगा मेरे सर पे, बट ये टाइम रहते चला जाएगा। तो उस समय उन्होंने जैसे जैसे मेरे को गाइड किया तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ एक बार जब इतना कुछ ट्राई किया तो एक चीज़ और ट्राई करते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया था उनकी बातों से। तो मैंने जैसे जैसे उन्होंने प्रोसीजर बताया, मैंने अपने हेड को पूरा क्लीन शेव करवाया और उनके यहाँ पे जाकर के हमने वो थेरेपी ली। तो स्टार्टिंग में एक डर भी था कि ये लीच पता नहीं कैसी होंगी और कितना पेनफुल होगा वगैरह वगैरह, बट ऐसा कुछ नहीं है। लीच हो सकता आप नहीं समझे होंगे, तो इसको हम लोग दूसरी भाषा में जोंक भी बोलते हैं। तो ये आमतौर पर पानी में होती है और ये इससे नमक वमक डालो तो ये मर भी जाती है। तो बट इनके अलग अलग कैटेगरी, मतलब अलग अलग नस्ल की लीच बोल रही है, अलग अलग लीच होती है जो यूज़ की जाती है यहाँ पे। हर लीच को यूज़ नहीं किया जाता, ये डॉक्टर्स को बेहतर मालूम होता है इस बारे में। तो उन्होंने अभी मेरी एक ही सेटिंग हुई है, अभी तो रिजल्ट के लिए वेट कर रहा हूँ, और 3-4 सेटिंग होगी। मे बी 3-4 सेटिंग के बाद में इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो मेरे से बात हुई उन्होंने बोला कि 100% रिजल्ट आएगा। बट हाँ, फर्स्ट थेरेपी के बाद मेरे को काफ़ी फ़र्क फील हो रहा है, मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ ग्रोथ, बट मुझे जैसे थोड़ी बहुत हेड पेन, हेडेक भी रहती थी, वो हेडेक मेरी काफ़ी रिलीज हुई है। और क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मैंने एक और उसमें इनका और प्रोसीजर होता है, एक पंचकर्मा का भी प्रोसीजर होता है जिसमें शिरोधरा, शिरोवस्ती और इस तरह के कुछ और स्टेप्स हैं जो कराने पड़ते हैं। तो वो शिरोधरा भी मैंने लिया, काफ़ी रिलैक्सिंग था। और अब देखते हैं, वेट कर रहे हैं, जल्दी ही दूसरी वीडियो भी डालूंगा जिसमें मैं आगे का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इसमें, और बताते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट पोस्ट में, नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालते हैं।